हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पैटी कैश बुक। फर्स्ट, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें आपको पैटी कैश बुक के दो तरीके बताए थे, एक सिंपल और एक एनालिटिकल। सिंपल हमने कर लिया था एंड उसका एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। तो आज की वीडियो में जो हमें करना है वो हमें करना है एनालिटिकल कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पैटी कैश बुक मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। पैटी कैश बुक वो कैश बुक है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट्स के जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सिर्फ एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करे जाते हैं। ओके, देन उसके बाद सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल का आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनाना है। एनालिटिकल सबसे पहले हेडिंग डाल रही है हमें एनालिटिकल पैटी कैश बुक। ओके, देन उसके बाद रिसिप्ट का कॉलम बनाना है। रिसिप्ट के कॉलम में वो अमाउंट आएगी जो पैटी कैशियर को मिलती है। ओके, जो उसे पूरे वीक या कहें हम महीने में खर्च करना होता है। देन उसके बाद डेट डलेगी, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट क्या है अभी आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊँगा। फिर हमें करना क्या है, जो भी हमारा एक्सपेंस होता है उसके लिए एक हमें अलग से कॉलम बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना दिया एंड उसमें अमाउंट लिख देंगे। सेम ऐसे ही कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्रीज। ओके, सन्ड्रीज बेसिकली जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें ही कहते हैं सन्ड्रीज एक्सपेंसेस। देन उसके बाद ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता ही दिया था। तो अब इसका एक मेन क्वेश्चन करते हैं। जो सिंपल कैश बुक होती है उससे जो इम्पॉर्टेंट है वो है एनालिटिकल कैश बुक। तो यही हम करते हैं। तो इसका एक सही, बहुत सही आपकी बुक से ही एक मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें सारे टाइप्स की एंट्री कवर है और इसे करने के बाद आप सब कुछ सही से कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए या आपकी बुक में भी मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा इसे। इलस्ट्रेशन का ही है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली जो एंट्री है वो है रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम पैटी कैश। पैटी कैश के लिए हमें 10,000 रुपये मिले। हम यानी पैटी कैशियर बनाता है हमेशा पैटी कैश बुक को। तो 10,000 रुपये मिले। अब इसको आपको बनाना कैसा है मैं इसका फॉर्मेट एक बार बता देता हूँ। आपको इसे वर्टिकल नहीं बनाना, आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम बनाने होते हैं। इसलिए जैसे देखिए मैंने बनाया रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पार्टिकुलर्स, देन उसके बाद कन्वीनियंस, कार्टेज। ओके, ये सब क्वेश्चंस में जो आएंगे उसको आपको पहले से बना लेना है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये लिखा है कि रिसीव 10,000 फॉर पैटी कैश। अब हमें रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट हम कहाँ लिखेंगे, 10,000 रुपीज़। यहाँ पर लिख देंगे 10,000 रुपीज़। 10,000। अब ये कब रिसीव हुए उसकी डेट डालेंगे, 2016 January 1st। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट अपनी एंट्री देखनी है। नेक्स्ट एंट्री में हमसे क्या कहा गया है कि पेड बस फेयर ₹50। हमने बस फेयर पे करा ₹50 का। बस फेयर क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है यानी कन्वीनियंस है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो इससे पहले अभी जो कैश हमें मिला उसकी सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हम एंट्री ऐसे करते हैं, टू कैश अकाउंट। देन उसके बाद ये रिसिप्ट है इसलिए हमें यहाँ नहीं लिखना है। रिसिप्ट हमें कहाँ लिखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब हमारी एंट्री है कन्वीनियंस चार्जेस ₹50। कन्वीनियंस चार्जेस जब भी एक्सपेंस होता है तो हम बाय लगाते हैं, तो बाय कन्वीनियंस चार्जेस। उसके बाद इसे कन्वीनियंस वाले कॉलम में हम लिख देंगे ₹50। डेट डाल देंगे जो डेट उसमें गिवन है, January 2। ओके, January 2। उसके बाद गिवन है हमें पेड कार्टेज ₹250। ₹250 का कार्टेज हमने पे करा, सेम डेट है, कार्टेज हमने पे करा, तो बाय कार्टेज अकाउंट। कार्टेज वाले कॉलम बनाएंगे एक, उसमें लिख देंगे ₹250। ओके, देन नेक्स्ट एंट्रीज पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹500। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए हमने पे करा ₹500, सेम। उसके बाद हम डेट डालेंगे सबसे पहले January 3, बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प, या कहें पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट।
उसके बाद हम उसका कॉलम बनाएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, उसमें लिख देंगे ₹500। फिर कार्टेज हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हमने वेजेस पे करे, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, वेजेस पे करे हमने ₹600। वेजेस पे करे तो बाय वेजेस, वेजेस का एक अलग से कॉलम बना देंगे, उसमें लिख देंगे ₹600। ओके ये, देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ये भी डेट डाल देंगे हम। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी January 4th की, पेड फॉर स्टेशनरी ₹400। स्टेशनरी सबसे पहले डेट, बाय स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी वाले कॉलम में ₹400। नेक्स्ट एंट्रीज पेड ऑटो चार्जेस, हमने ऑटो चार्जेस पे करे ₹200 के। अब ये ऑटो चार्जेस भी कन्वीनियंस का ही पार्ट है, तो इसे भी हम कन्वीनियंस में ही डाल देंगे, बाय ऑटो चार्जेस अकाउंट, कन्वीनियंस में डाल देते हैं हम इसे ₹200। डेट डाल दी गई January 4th। अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय कन्वीनियंस चार्जेस अकाउंट। ओके नेक्स्ट एंट्री जो है वो है हमारी रिपेयर्स की, पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर, हमने चेयर रिपेयर कराई है ₹1500 की। तो ये जो हमने एक्सपेंस कराया है, ये क्या है हमारा एक तरीके से छोटा मोटा एक्सपेंस है, इसके लिए आप अलग से कॉलम बना सकते हैं, या इसे हम नाम दे सकते हैं सन्ड्री एक्सपेंस, यानी बाय रिपेयर फॉर फर्नीचर अकाउंट, डेट डाल देंगे। उसके बाद हम इसे एक सन्ड्री का कॉलम बना लेते हैं, आप चाहें तो रिपेयर फॉर फर्नीचर का भी बना सकते हैं, उसमें डाल देते हैं ₹1500। ओके नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड बस फेयर, अब हमने यहाँ बस फेयर पे करा है ₹100 का, ये भी कन्वीनियंस में ही है, तो इसे भी कन्वीनियंस में ही डाल देते हैं January 5th, बाय कन्वीनियंस या बाय बस फेयर लिख लीजिए, फेयर अकाउंट जो भी अमाउंट है ₹100 वो कन्वीनियंस के कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड कार्टेज, कार्टेज हमने पे करा ₹400 का, कार्टेज, कार्टेज का हमने कॉलम बना रखा था तो उसे हमें दोबारा से नहीं बनाना, हमें अब उसमें ही एंट्री कर देनी है ₹100 से, January 5th बाय कार्टेज कितने रुपये ₹100 ₹400। ओके नेक्स्ट एंट्री इज पेड कार्टेज हो गया, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹700, दोबारा से हमने पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे करा ₹700 का, तो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट, डेट, देन उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम वाले कॉलम में हमें लिख देने हैं ₹700। ओके उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री दी गई है पेड फॉर कन्वीनियंस चार्जेस, फिर से कन्वीनियंस चार्जेस के लिए दिया गया है ₹300, तो कन्वीनियंस चार्जेस के कॉलम बनाई हुआ है तो हम नहीं बनाएंगे अलग से, बाय कन्वीनियंस अकाउंट ₹300, डेट सेम ही है January 6th। उसके बाद कन्वीनियंस अकाउंट के बाद हमने फिर से कार्टेज पे करा है, दोबारा कार्टेज पे करा ₹200 का, तो बाय कार्टेज अकाउंट, कार्टेज वाले कॉलम में ₹200। ओके डेट, देन उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है पेड स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने पे करी, स्टेशनरी का भी हमने कॉलम बना रखा है तो उसी में लिख देंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी वाले कॉलम में आ जाएगा हमारा अमाउंट ₹200, डेट डाल देंगे, डेट मस्ट है डालना, डेट आपको डालना होगा अगर क्वेश्चन में दिया गया है, तो अगर नहीं दिया तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद बाय जनरल एक्सपेंसेस पे करे हमने जनरल एक्सपेंसेस, देन जनरल एक्सपेंसेस हम डाल देंगे सन्ड्री एक्सपेंस में ही, इसके लिए अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे, ₹500 क्या हमने डाल दिए सन्ड्री एक्सपेंसेस में।
ओके, तो ये सारी एंट्री हमारी कवर हो गई हैं। अब हमें इसे कैसे क्लोज करना है मैं वो आपको बताता हूँ। अब इस टोटल पेमेंट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। टोटल पेमेंट का मतलब है आपको इस वाले कॉलम की सारी अमाउंट यहाँ पर टोटल करके लिखनी है। जैसे इस वाले की टोटल अगर हम करें इसका, तो ये 50 ही आ रहा है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। देन इसे टोटल करें, ये भी 250 आ रहा है, टोटल पेमेंट में 250। अब पोस्टेज एंड स्टैम्प वाले कॉलम में 500। सेम ऐसे ही हमें इसे टोटल कर देना है, 600, 400, 200, 1500, 100, ओके, 100 के बाद 400, 700, 300। टोटल करने के बाद अब हमें इसे कैसे क्लोज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, अब इन सब का टोटल कर देना है एक बार, इन सब का टोटल करेंगे। इन सब का टोटल कर लीजिए, ये इनका टोटल आ रहा है 6000 रुपीज़। ओके, ये इसका टोटल हो गया। इसे हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब इसे हमें करना क्लोज कैसे करना है, ये हमारा यहाँ पर सारी एंट्रीज हो गई, तो इसे क्लोज कर देंगे। अब इसे क्लोज कर देंगे सही से, ये क्लोज हमने कर दिया। अब हर कॉलम का दोबारा टोटल करेंगे, इस कॉलम का हमने कर दिया, अब इस कॉलम का करेंगे। इस कॉलम का टोटल आ रहा है 650, इसका भी आ रहा है 950, और इसका 600, देन 1200, देन उसके बाद 600, फिर 2000। ओके, ये क्लोज हो गया। अब क्लोज हम कैसे करते हैं, डबल लाइन से, तो डबल लाइन ही बनाएंगे यहाँ पर, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। बट हमें टोटल पेमेंट्स वाला जो ऑप्शन है वहाँ तक लाइन को नहीं ले जाना है, उसके अंदर अंदर ही करना है। ओके, ये हो गया। ये कब की एंट्री थी हमारी, जनवरी 6 की। अब ये जनवरी 6 को क्लोज हो गया, ये यानी फर्स्ट वीक, एक वीक ख़त्म हो गया 6 को। अब 7 से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें मिले कितने थे, 10,000 रुपीज़ मिले थे। तो अब अगले हमें दोबारा से 10,000 करने के लिए और कितने चाहिए, 4,000 रुपीज़ चाहिए। तो बाय बैलेंस, बैलेंस हमें कितना बच रहा है यहाँ पे, CD 4000, यानी एक्सपेंसिव 6000 का हुआ और हमारे पास रुपीज़ कितने थे, 10,000 रुपीज़ थे। तो 4000 का क्या बच गया हमारे पास, बैलेंस बच गया, ये वाला बैलेंस। अब उसे अगले वीक में चलाना है। बैलेंस हम दोनों साइड लिख देंगे, 10,000 और 10,000, ये हमारा टोटल हो गया। ओके, जब हम नेक्स्ट हमें मिलेगा, यानी जनवरी 7 को नेक्स्ट वीक को जब हमें पेमेंट मिलेगी, सबसे पहले तो हम बैलेंस को ही लेके चलेंगे, टू बैलेंस, CD क्या था, यहाँ आके BD हो जाएगा, कितना, रिसिप्ट में लिखते हैं इसे हम, रिसिप्ट कितनी थी, 4000 रुपीज़ की, यानी जो हमने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन किया है, ब्रॉड डाउन। उसके बाद हमें कितना मिलेगा, टू कैश। अब जो कैश मिलेगा वो हमें सिर्फ 6000 ही मिलेगा, क्योंकि हमें 4000 का हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो इसे हम ऐसे, टोटल कितना हो गया ये, 10,000। ओके, तो ये था हमारा एनालिटिकल पैटी कैश बुक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज कैश बुक का चैप्टर पूरा फिनिश होता है। हमने हर तरह की कैश बुक पढ़ ली, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पैटी कैश बुक में भी दो तरह की पढ़ ली, सिंपल और एनालिटिकल। एंड इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट के साथ। एंड उसके साथ मैं आपको काफ़ी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।